हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आजकल आप लोग पूरे दिन घर पर रहकर बोर हो रहे होंगे। चलो आज हम हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसे पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उस टॉपिक का नाम है लिंग, जेंडर। अभी तक आप लोगों ने संज्ञा के विषय में पढ़ा था कि किसी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आज हम उन नामों के लिंग के विषय में पढ़ेंगे कि कौन सा नाम किस लिंग में आता है। हमें जिन नामों से यह पता चले कि वह कौन सी जाति का है, मेल है यानी बॉय और मैन, लड़का या आदमी है या फीमेल है अर्थात वुमेन और गर्ल अर्थात औरत या लड़की है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग की क्या परिभाषा है। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जिससे हमें पता चले कि वह पुरुष यानी मेल है और स्त्री यानी फीमेल है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे नाना नानी, नाना हो गए मैन मेल और नानी हो गई फीमेल वुमेन, है ना, औरत। तो नाना हो गया आदमी और नानी हो गई औरत। भाई बॉय हो गया और बहन गर्ल हो गई आदि। अब हम आपको बताएंगे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, नंबर वन पुल्लिंग और नंबर टू स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी मेल, मेल में क्या आएगा, मैन और बॉय, आदमी और लड़के। जितने भी आदमी हैं जितने भी लड़के हैं वो सारे पुल्लिंग में आएंगे। और स्त्रीलिंग यानी फीमेल, जिसमें वुमेन आएंगी आपकी और गर्ल आएगी। जितनी भी वुमेन हैं और गर्ल्स हैं वो सब हमारी स्त्रीलिंग में आएंगी। अब हम आपको पुल्लिंग की डेफिनेशन बताते हैं। पुल्लिंग, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है। पुल्लिंग यानी मेल। अब जैसे दादा, दादा हो गए मेल, मैन हो गए दादा, आदमी हो गए तो वो पुल्लिंग में आएंगे। नंबर टू लड़का, लड़का बॉय हो गया मेल हो गया तो वो भी पुल्लिंग में आएगा। स्त्रीलिंग, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। स्त्री जाति यानी फीमेल। जैसे दादी, दादी फीमेल हो गई, औरत हो गई, वुमेन हो गई, है ना, तो वो दादी हो गई। और लड़की, लड़की गर्ल हो गई, ये भी फीमेल हो गई तो ये हमारे क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। जितनी भी लड़कियां हैं जितनी भी औरतें हैं सब स्त्रीलिंग में आएंगी। अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ मात्राओं की ध्वनि को भी ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे जिससे कि लिखते समय आपकी कोई गलती ना हो। अब चलिए मैम के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मामा मामी, नाना नानी, राजा रानी। अब मैम एग्जाम में स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाने को दे सकती हैं और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने को दे सकती हैं, दोनों तरह से मैम दे सकती हैं। जैसे अगर मैम ने आपको नाना दिया तो आपको लिखना है नानी, और मैम ने आपको दिया घोड़ी तो आपको लिखना है घोड़ा, है ना, तो दोनों तरह से आपको लिखना है। तो दोनों तरह से प्रैक्टिस करेंगे। राजा रानी मैम ने बताया, सेठ सेठानी। अब सेठ न्यू वर्ड हो गया, सब बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, है ना, तो सेठ, इन पर ध्यान देना, न्यू वर्ड्स पर जो आपको नहीं है उनको ध्यान से पढ़ेंगे। सेठ सेठानी, घोड़ा घोड़ी। भाई, भाई पुल्लिंग हो गया और बहन क्या हो गई, स्त्रीलिंग। पिता माता, शेर शेरनी, मोर मोनी, और नौकर क्या का क्या होगा, नौकरानी।
बेटा स्त्रीलिंग क्या होगा, बेटी। माली, माली गार्डनर को कहते हैं, आपके गार्डन में काम करने माली आता है ना, तो माली का स्त्रीलिंग क्या होगा, मालिन। बैल, बैल का स्त्रीलिंग गाय, और गाय का पुल्लिंग, ये आप लोगों को नहीं आता होगा ना, ये आपने सुना ही नहीं होगा, गाय का बैल और बैल का गाय। हिरन, हिरनी। चाचा, चाची। चाचा का सबको आता होगा चाची। छात्र, छात्र हो गया बॉय स्टूडेंट, और छात्रा हो गई गर्ल स्टूडेंट। आपकी क्लास में जो आपका पार्टनर है, अगर वो बॉय है तो वो छात्र हो गया, और अगर वो गर्ल है तो वो छात्रा हो गई। अध्यापक हम सर को कहते हैं, अध्यापिका मैम को कहते हैं। हिंदी में मैम को अध्यापिका बोलते हैं, और सर को हम क्या बोलते हैं, अध्यापक। बकरा, बकरी। दादा, दादी। ओके बच्चों, अब आप लोगों को लिंग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग इनको रिवाइज कीजिएगा, अपने मम्मी और पापा का कहना मानिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय।